बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज मैं दाल माश बना रही हूँ, और वो भी मिट्टी की हांडी में। उसके लिए मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। थोड़ा सा अभी मैं इसमें नमक भी डालूंगी, और मिट्टी की हांडी को भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, और इसमें ऑयल भी डाल दिया तकरीबन 1 कप, और अदरक लहसुन और प्याज इसको भी मैंने चॉप कर लिया, और इसको ब्राउन होने तक पकाऊँगी मैं। मिट्टी की हांडी अभी भी मैंने 5-10 मिनट हो गए रखे हैं ऊपर, अभी भी सही से गर्म नहीं हुई है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये मैंने थोड़ा सा चूल्हा जल्दी ऑन कर दिया था। अभी इस दाल में मैं नमक डालूंगी तकरीबन 1.5 टीस्पून। मिक्स कर देंगे। ये दाल जब पकती है इसके ऊपर झाग बहुत ज़्यादा आती है, तो इसको साथ साथ हम चाय वाली जो सीव होती है उससे उतारते जाएंगे छलनी से। अभी हांडी का भी चूल्हा तेज करना पड़ेगा, तब तक ये ब्राउन होते हैं प्याज। जी प्याज ब्राउन हो गया है, फिर से 15-20 मिनट लगे हैं। अब इसमें मैं मसाले डाल दूंगी, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और चिकन क्यूब। नमक नहीं डाल रही, नमक दाल के अंदर डाला हुआ। आज तो प्याज ब्राउन होते होते मुझे इमरान खान साहब की बात याद आने लग गई। मिट्टी की हांडी में काम करें ना, तो फिर ये होता है कि सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने घबराना नहीं है। आराम सुकून से काम करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। प्याज ब्राउन होने तक आप कुछ और निपटा लें काम। तो मसाले जो हैं वो थोड़े से भुन गए, साथ में मैं अभी टमाटर डाल दूंगी, इसको भी मैंने चॉपर में कर लिया था। असल में मिट्टी की हांडी का कसूर नहीं है, हमारा सिलेंडर का जो रेगुलेटर है वो कुछ दिन पहले ख़राब हो गया था, तो वो असल में नया लगाया है, तो इस वजह से उसमें कोई गड़बड़ चल रही है, बहुत कम गैस निकलती है वहाँ से, तो चूल्हा स्लो हो गया हमारा। मिट्टी की हांडी में खाना बहुत मज़े का बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। अभी 5-6 मिनट तक मसाला भूनेंगे, और ये जो दाल बॉईल की है हमने इसके अंदर डाल देंगे। ये मसाला अच्छे से भून गया, अभी दाल उठा के कढ़ाई तो इसके अंदर हम डाल देंगे। दाल हांडी में डाल दिए, हांडी थोड़ी सी छोटी है, पहले मेरे पास थी मिट्टी की हांडी बड़े साइज की, वो टूट गई। अभी इस दफा पाकिस्तान गए हैं तो वहां से मैं नई लेके आई हूँ। ये छोटी भी है और महंगी भी है, पता नहीं क्यों, पहले बड़ी थी और सस्ती थी। अभी इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, पानी खुश्क होने तक। दाल हमारी अच्छे से पक गई है, अब चूल्हा हम बंद कर देंगे, और इसके ऊपर थोड़े से हरे मसाले और गरम मसाले वो डालेंगे। मेथी, गरम मसाला, चूल्हा बंद किया हुआ है फिर भी हांडी अभी उबल रही है। हरा धनिया, हरे प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, अभी इसको मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स कर लिया। अभी इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये दाल पक के हमारी रेडी हो गई है। साथ मैंने बॉयल एग किए थे और ऊपर अदरक लहसुन अदरक हरा धनिया हरी मिर्चें वो डाली हैं और साथ थोड़ा सा गर्म मसाला छिड़कर। हमारे घर में जब भी दाल माश पकती है तो साथ में बॉयल एग ज़रूर बनते हैं। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।